This is the suicide point of Mount Abu. यहाँ के लोग लेट बता रहे हैं कि बहुत पहले लोग यहाँ आत्महत्या करने आया करते थे, लेकिन अब ये फोटो खिंचाने का अच्छा स्पॉट है, व्यू बढ़िया है। फ्रेंकली बोलूँ ना तो इस सुसाइड पॉइंट के किसी भी कोने से खुद के आपकी जान नहीं जाने वाली है। टाइम है एंड ये स्टेशन बाकी जगहों से बाकी में कुछ अलग है, इसकी खूबसूरती अलग है। ठंड तो कुछ ज़्यादा नहीं है, तेज़ हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट हाँ मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे। एक सजेशन है मेरी साइड से आप सब लोगों को, इस होटल में हम रुके हैं, इस होटल की गो आई व्यू पे सबसे टॉप रेटिंग है, दैट इज 4.3 और 4.4, बट द प्लेस इज़ लाइक ट्रैश। दिस इज़ प्रोबेबली द वर्स्ट प्लेस आई हैव एवर स्टेड इन। लेट मी शो यू कि हमारा रूम कैसा है और क्यों मुझे इस जगह से इतनी शिकायत है। ये हमारी मेन रूम की कुंडी है, देख सकते हैं आप कितनी हद मजबूत है ये। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम की कुंडी। ये देखिए, मेरा सवाल बस ये है कि ये बाहर क्यों नहीं है, वो अंदर क्यों नहीं है, ऐसा क्या है बाथरूम में जो इतनी खतरनाक सिक्योरिटी वाली कुंडी यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा जो दो रूम्स हमने बुक करे थे, दैट इज 3+2, वो दोनों ही इतने छोटे थे कि उसमें तीसरा बेड डलने का, दूसरा बेड डलने का कोई ऑप्शन नहीं था। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने हमें दूसरा रूम दिया जो थोड़ा बड़ा है। ये भी काफ़ी कंजस्टेड है, आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं इसको 1 स्टार भी देना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। आप लोग माउंट आबू आए हैं तो होटल माउंट आबू पैलेस बिल्कुल मत रुकें, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट पे इसकी टॉप रेटिंग है लाइक 4.3 4.4, बट जगह नहीं है अच्छी रहने के लिए, सर्विस बिल्कुल बेकार है। 25-30 रुपए की चाय है, इतनी बेकार के एक घूंट मार के आदमी दूसरी ना पिए। हमने चेकआउट कर लिया है यहाँ से और अब माउंट आबू एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लाइक नकी लेक, टॉड रॉक्स एंड लाइक हनीमून स्पॉट एंड ऑल। सनसेट पॉइंट तो पता नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। इट्स अराउंड 10 AM इन द मॉर्निंग राइट नाउ। लेट्स लीव नाउ, रात को नींद बहुत बढ़िया आई। एक बात और बताना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान में जितने भी होटल्स हैं ना, इन सब में चेकआउट टाइम सुबह 9 बजे का होता है, स्ट्रिक्टली 9 बजे का होता है। Now we are on our way to have our breakfast. उसके बाद पैदल पैदल ही नक्की लेक चलते हैं। But that was probably the worst hotel I've ever stayed in. आप लोग यहाँ आए तो ध्यान रखिएगा, होटल ममता पैलेस। मौसम वाकई बहुत बढ़िया है, एकदम गोवा वाली फील आ रही है, चारों तरफ पाम ट्रीज, बेहतरीन चलती हवा। जन विद द ब्रेकफास्ट, अभी हमने चाट मार्केट में ब्रेकफास्ट करा है और भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए उन्होंने सोलडो को यहाँ पूरा मार्केट बंद रखा था, पूरे दिन एक ग्राहक नहीं बिठाया, बहुत बड़ी बात है। पूरा आबू खुला था लेकिन इन लोगों ने अपना मार्केट बंद रखा था। आप लोग प्लीज़ अगर माउंट आबू आए तो चाट मार्केट में भैया के यहाँ पे खाइएगा। भैया आपकी दुकान का नाम जिंदा नाश्ता पार्टी है आपका भैया, नाश्ता यहीं कीजिएगा, मज़ा आएगा, आपको अपना मन लगेगा और भैया बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे होटल के बराबर में स्कूल है, सुबह 8 बजे की घंटी बज गई थी और हमारी भी आँख खुल गई थी। एक बात बोलना चाहूँगा यार, किसी भी जगह को ना उसके लोग खूबसूरत बनाते हैं। हर हिल स्टेशन सुंदर होता है, हर हिल स्टेशन ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन वहाँ के लोग होते हैं जिनसे हमें प्यार हो जाता है जगह से ज़्यादा, जैसे मुझे इन लोगों से हुआ। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मुझे कितना अच्छा लगा वहाँ पर खाना खा के, कितने प्यार से उन लोगों ने खिलाया और कितने दिल के साफ वो लोग हैं। मतलब पूरा एक दिन अपना काम बंद रखना किसी को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई बहुत बड़े दुकानदार नहीं है वो, रोज का कमाते हैं रोज का खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे फौजी भाइयों के लिए जो शहीद हो गए उन्होंने पूरा एक दिन अपना पूरा मार्केट बंद रखा उनको इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए।
आप लोग माउंट आबू आएँ तो प्लीज़ वहीं पर ब्रेकफास्ट और लंच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने प्यार से वो आपको खिलाएंगे, आपको प्यार देंगे। मैंने दोनों शॉप्स की पिक्चर डाली है उनके ओनर्स के साथ में, आप लोग आइएगा, मिलिएगा और वहाँ खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टिल नाउ आई एम हैविंग ग्रेट टाइम इन माउंट आबू, अभी सिर्फ उठे हुए 1.5-2 घंटे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। द प्लेस इज़ अमेजिंग, अलग है बाकी स्टेशन से, हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। बाकी चलते हैं और यहाँ के पॉइंट्स और जगह एक्सप्लोर करते हैं। आइए अब आपको सुसाइड पॉइंट दिखाते हैं। ये सब लोग यहाँ आत्महत्या करने आए हैं, देखिए ये सब लोग यहाँ आत्महत्या करने आए हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ, ये सब अपनी जिंदगी से परेशान है, यहाँ आत्महत्या करने आए हैं। देखिए इतने लोग एक साथ सुसाइड करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा ये। पिछला रिकॉर्ड है 100 लोग एक सजा से कूद के मारे। दिस इज द सुसाइड पॉइंट ऑफ माउंट आबू। यहाँ के लोग उलट बता रहे हैं कि बहुत पहले लोग यहाँ आत्महत्या करने आया करते थे, लेकिन अब ये फोटो खिंचाने का अच्छा स्पॉट है, व्यू बढ़िया है। फ्रेंकली बोलूँ ना तो इस सुसाइड पॉइंट के किसी भी कोने से खुद के आपकी जान नहीं जाने वाली है। बट टू बी ऑनेस्ट, माउंट आबू इज अमेजिंग। मुझसे कुछ लोगों ने बोला था कि माउंट आबू अच्छी जगह नहीं है, इट्स नॉट अ नाइस प्लेस टू गो, बट ये कुछ अलग है, कुछ अलग और खूबसूरत हिल स्टेशन है। पहाड़ बंजर भी हैं, हरे भी हैं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही है। राइट नाउ आई एम एट दी फेमस माउंट आबू नेकी लेक। जैसे नैनीताल नैनी जिन के नाम से जाना जाता है ना, ऐसे ही माउंट आबू नेकी लेक के नाम से जाना जाता है। मेरी पूरी इट्स अ काइंड ऑफ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ नैनी झील, यू कैन सी। और वो सामने है टॉड रॉक, बहुत बड़ा स्टोन का टॉर्टेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बाद वहाँ चलते हैं। आज का मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम ने घूमने का मज़ा डबल कर दिया है। और ये हमारे पीछे है क्रोकोडाइल गार्डन, जहाँ पे एक भी क्रोकोडाइल नहीं है, दो सीमेंट के बना रखे हैं छोटे छोटे। अब चलते हैं टॉड रॉक। देखने में लग रहा है यहाँ से वहाँ से करीब करीब 100-200 मीटर ऊपर होगा, काइंड ऑफ अ स्मॉल ट्रैक। ये पूरी नक्की लेक है, इसके बहुत सारे एंट्री पॉइंट हैं, मतलब आपको माउंट आबू में अलग अलग जगह बोर्ड लगे दिखेंगे, यहाँ से रास्ता वहाँ से रास्ता, आप कहीं से भी आ सकते हैं, पहुँचेंगे यहीं पे ही। उम्मीद करता हूँ मैं मज़ा आ रहा होगा माउंट आबू देखने में, क्योंकि मुझे तो घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है।
हार्ड रॉक तकरीबन 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं। टॉट रॉक देखना है, ये देखिए द व्यू फ्रॉम हेयर इज अमेजिंग मैन, हैव अ लुक। पीछे पूरी नक्की झील दिख रही है और ये चारों तरफ का शानदार नज़ारा। पीछे ये घने जंगल और ये सुनहरी वादियाँ। माउंट आबू के जितने भी दो तीन फेमस स्पॉट्स थे वो कवर कर लिए हैं। अब हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। रास्ते में उदयपुर पड़ेगा, लंच उदयपुर में करते हैं, वहाँ पे का जगह देखते हैं और फिर डायरेक्ट सीधा रात को जयपुर में रुकेंगे। प्लान है कल मॉर्निंग में सिटी पैलेस एंड राजमंदिर वगैरह कवर करने का एंड देन फिर वापस घर निकलने का। सोचा तो था वापस घर जाने का, लेकिन हमें क्या पता था कि राजस्थान कुछ इतना पसंद आ जाएगा कि एक दिन की और छुट्टी लेने का प्रोग्राम बन जाएगा। जी हाँ, हमारे लिस्ट में अब उदयपुर भी जुड़ चुका है, तो आज की रात जयपुर नहीं उदयपुर रुका जाएगा और कल उदयपुर घुमा भी जाएगा। चलिए चलते हैं उदयपुर। राजस्थान में दो दिन पूरे होने को आए, जैसलमेर और माउंट आबू घूमने के बाद भी मैं खुद से यही पूछ रहा हूँ कि क्या ये जगह वाकई में पहाड़ों से ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर वाकई में है तो मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। अब हम चल दिए हैं उदयपुर की तरफ। इस खूबसूरत रास्ते का मज़ा लीजिए इस खूबसूरत गाने के साथ और जुड़े रहिएगा, क्योंकि राजस्थान के बारे में बोलते हैं ना, ना जाने कब क्या दिख जाए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. रिच उदयपुर एंड राइट नाउ वी आर एट सेलिब्रेशन मॉल। सब्वे खाने का बड़ा मन कर रहा है, सब्वे खाते हैं, होटल बुक करते हैं और फिर चलते हैं सीधे यहाँ से। ऑल द सब्वे लवर्स से चीयर्स। फाइनल क्लिप फॉर द डे, हमारा जैसलमेर और माउंट आबू कंप्लीट हो गया है। राइट नाउ वी आर इन उदयपुर। अभी होटल में चेक इन किया है। द नेम ऑफ द प्लेस इज द हवेली। जगह बढ़िया है, ओयो से करी है और एज यू ऑल नो मैं हमेशा ओयो प्रेफर करता हूँ और ओयो वाकई में यार बहुत अच्छे होते हैं, इनकी सर्विस एक्सेट्रा सब कुछ। सो कल उदयपुर एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे जितने भी किला और लेक्स वगैरह हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू गाइस सून। बाय बाय, टेक केयर।